हाँ ओके, तो मेरी बात सुनो। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। आप जो अभी दृश्य देखेंगे तो उसको वो वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से भूल जाओ, मतलब रिमूव कर दो अपने माइंड से आपने जो कुछ भी यहाँ पे देखा वो, ठीक है। और एक स्टोरी है जो आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ब्लैक में बताऊंगा तो मजा नहीं, हाथ हटा देता हूँ। ओके, मेरी बॉडी दिख रही है। मैं गया था 4 महीने गाँव, ठीक है। तो मैंने सब CPU मेरा, अगर किसी को पता नहीं है, मेरे पास एक लैपटॉप था और एक PC सेटअप था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं गाँव 4 महीना था, तो बाकी जो मैं व्लॉग्स बनाता था तो वो मैं लैपटॉप के ऊपर एडिट करता था, इसके ऊपर। तो ठीक ठाक ही था, मतलब 10-15 घंटे लग जाते थे वीडियो एडिट वगैरह रेंडर विंडर मार के। तो हेवी हेवी फाइल्स होते तो वो ये सपोर्ट नहीं करता लैपटॉप, ये बस मैंने ऐसे लिया था फाइल स्टोर करने के लिए, मैं PC कहाँ पे लेके नहीं जा सकता इसलिए। ओके, तो क्या हुआ, मैं गांव आने के बाद, मतलब 4 महीना गांव में था, गांव आने के बाद मैं यहाँ पे आया और फिर मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मैं करने के लिए मैंने PC चालू किया, और चालू करते ही इतना नहीं हुआ बट एक स्पार्क हो गया और एक फट करके फट फट क्या है? तो ऐसे आवाज आया फट करके, मतलब कुछ उड़ गया। तो देन मैंने बटन बन गया एंड देन देखा CPU, देन तो वो PC डेड, मतलब गया, मदरबोर्ड गया, उसके साथ साथ प्रोसेसर गया, IFI का प्रोसेसर था, प्रोसेसर गया, और उसके साथ साथ गया SMPS, मतलब पावर सप्लाई यूनिट, वो भी चला गया। तो मेरे पास बस बचा है रैम और कैबिनेट, जो आपको पीछे दिख रहा है वो कैबिनेट है, और उसके बाजू में मॉनिटर, मॉनिटर भी खराब हो गया था लेकिन वो रिपेयर करके हो गया चालू। तो अभी बात सुनो, ठीक है। और ये देखने के बाद, वीडियो होने के बाद भूल जाओ, ठीक है। ओके, ये कचरे को भूल जाओ, ठीक है, ये मत देखो और पूरे घर के कचरे को मत ही देखो, मतलब भूल जाओ वीडियो देखने के बाद। कितनी बार बोला पता नहीं चला, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब प्रोजेक्ट करना है तो मेरे को कुछ भी करके अभी PC बिल्ड करना पड़ेगा। तो PC बिल्ड सिर्फ मतलब नहीं है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के साथ साथ मेरे को चाहिए ड्यूअल मॉनिटर सेटअप, समझ रहे बात को, मतलब थोड़ा दिखना चाहिए ना यूट्यूब, नहीं एक्चुअली मैं काम के लिए ड्यूअल मॉनिटर सेटअप लगा रहा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैंने फ्री में मेरे को एक मतलब ये मिल गया प्लाई, क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी मिल गई, एक दादा है प्रमोद दा, उसके मतलब जान पहचान में, उधर से मैंने फ्री में अब भी लेके आया 10 मिनट पहले, सॉरी आधा घंटे पहले। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फैन ये स्टाइल है, ठीक है, ये निकालने के बाद हवा बहुत तेज आती है इसलिए रखा है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग हवन नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग उठा के मतलब साइड में, मतलब एकदम पूरा निकाल देंगे। तो मैं उसमें से मतलब इसमें से बिल्ड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लाई है और यहाँ पे भी लाया, अरे भाई बहुत सारे हैं, मेरे को पता ही नहीं था। मैं बिल्ड करने वाला हूँ मतलब खुद, और मेरा दोस्त है सिद्धेश, तो मैं और सिद्धेश और दो सिद्धेश एक्चुअली वो अभी आ रहे, तो वो लोग आ रहे तो अभी मेरे को हेल्प हो जाएगी, मैं काम पे लगाऊंगा उनको। कितना बुरा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये जो है वो यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक, यहाँ पे ऐसे मतलब ये प्रॉपर ऐसे ये बना डेस्क बनाओ, तो यहाँ पे एक मॉनिटर आएगा और यहाँ पे एक मॉनिटर आएगा और यहाँ पे कीबोर्ड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे माउस। और मैं सोच रहा हूँ कि कैबिनेट रखूंगा तो शायद मैं यहाँ पे रखूंगा, पर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को यहाँ पे माउस लेके, ऐसे मैं तड़फड़ जाऊंगा यहाँ पे, समझ रहो, इट्स अ मराठी वर्ड, तड़फड़, मतलब इसको तड़फड़ ना बोलते, मतलब पता नहीं, छोड़ो यार, तो तड़फड़ जाऊंगा, मतलब वो बीच में लगेगा मेरे को CPU, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, वो भी मतलब मैं अभी तक शोर नहीं हूँ, या फिर CPU उठा के नीचे रख दूँ, मतलब यहाँ पे कैबिनेट बनाओ छोटा सा, लकड़ी तो बहुत है अपने पास, पर बिल्ड करने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं है, और वीडियो देख देख के मेरे को बनाना पड़ेगा, मतलब कैसे क्या बनाते हैं ये कारपेंटर लोग, और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि कारपेंटर को बुला के ये सब बना लूं, क्योंकि मेरा सारा पैसा घुस चुका है PC बिल्ड करने में। तो अभी ये मेरा पुराना वाला कैबिनेट हो चुका है, मतलब इसके ये पोर्ट नहीं चल रहा, ये पोर्ट नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये शायद से चल रहा, और ये जो मेन बटन है स्विच ऑन स्विच ऑफ का,
वो भी मर चुका है, मतलब वो नहीं होता। तो मैंने मेरे इंजीनियर से इसमें वो ये रिस्टार्ट वाला बटन है, पर इसमें वो मैंने ऑन ऑफ करके लिया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर सस्ते में मेरे को वहाँ पे कैबिनेट मिल जाए, मतलब वो RGB, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है RGB वगैरह में, जेन्युइनली मेरे को ऐसे धचिक धचिक, मेरे को मेरे घर में डिस्को वाला माहौल नहीं चाहिए। मेरे को RGB नहीं होगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट लाइक RGBs एंड ऑल दैट। मेरे को बस नॉर्मल PC जो अच्छा दिखे, RGB बाद में लगा लेंगे यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके, तो डुअल मॉनिटर सेट, ये दोनों क्या कर रिलेटेड। ओके, तो हाँ, तो डुअल मॉनिटर सेटअप क्यों चाहिए? बिकॉज आपके भाई को आ रहे प्रोजेक्ट, और पहले वाला प्रोजेक्ट था वो भी करना है। तो अभी मतलब गेमिंग एक साइड होगा, और दूसरी साइड पे मतलब चैट्स पढ़ूंगा एक दो लोगों के, मतलब कोई नहीं दिखता यार स्ट्रीमिंग। और मैं कल जा रहा हूँ लैमिंगटन रोड जा रहा हूँ, अपन लैमिंगटन लगते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, और मुझे मिलने वाला है वहाँ पे ओमकार, वो वाला लोमड़ी वाला ओमकार ना, ओमकार जहाँ पे मैं गया था उसके साथ चला हवा देखे ऑडिशन में, तो वहाँ पे मिले थे, मतलब ग्रुप बना था अच्छा वाला एक फैमिली जैसे। तो अभी वो कल मिलने वाला है मेरे को, तो उसके साथ मतलब वो भी गेम वगैरह खेलता है, CS:GO वगैरह खेलता है, एंड ही इज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली बट है। तो उसको नॉलेज है PC बिल्ड करने का, उसको लेके जा रहा हूँ लैमिंगटन रोड में। उसने सजेस्ट किया कि थोड़ा बजट कम में हो जाएगा सब। वैसे मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखे कि लैमिंगटन में स्कैम वगैरह होते, तो उससे बचने के लिए उसको, वो ज़्यादा नॉलेज वाला है, उसको लेके जा रहा हूँ, वो तो दिखेगा वैसे भी वीडियो में। तो अभी सिद्धेश भाई, दोनों का नाम ही सिद्धेश है। आरुष नाम तो सुना ही है, सब्सक्राइब कर दो, नहीं सब्सक्राइब कर देना ठीक। देखो मैं ये दिखा के आपको डराना नहीं चाहता, बट यू नो कर दो सब्सक्राइब, आरी चलाएंगे हम ये आरी, छोड़ जा। ओके, तो ये सब निकाल दिया, इधर रख दिया सब, तो मैंने इतना बना लिया, ये काट कर जाएगा आधा भाग उधर का हिस्सा, तो ये प्रॉपर डेस्क बनेगा। अभी उसके ऊपर, अभी मेरे को समझ रहा नहीं है, सब अलग अलग पार्ट है, सब अलग है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे चिपकाऊँ, तो मेरे को कुछ देखना पड़ेगा चिपकाने के लिए, और तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी किसको कैसे चिपकाऊँ इन सबको। तो अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो कमेंट करके बता देना, और ये जैसे कि वो कारपेंटर लोग पहनते हैं वैसे। तो मैं सोचता हूँ क्या करना है इसको, तो पहले एक काट लेता हूँ मैं कॉर्नर का। गाइस सीड आ गया, वो वाला सीड नहीं आ गया, और ये लाने जाने का मुन्नू। और नीचे जो है वो इसके मजबूती के लिए, ये जो जॉइंट्स मतलब ये जो दिख रहे हैं अलग अलग, उसके लिए कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मुंबई, तो रेड FM 93.5 पर जाते रहो, आप सुन रहे हो आरुष के साथ, और हम लोग अभी जाने वाले लैमिंगटन रोड। ओ ये मेरे को RJ बनना था बट अभी, तो अभी मैंने कल रात को ये सब मतलब ये पूरा जॉइंट कर लिया, ये नहीं इस, तो इसको ऐसे ये कील ठोक के इसको पूरा जॉइंट कर दिया, तो ये ऐसे इतना काटने का है, और कल आरी से काट आता है लेकिन इतना से इधर तक काटा, फिर मेरा हाथ पेन करने लगा, तो वैसे रख दिया। मैं आज कर लूँगा, तो लैमिंगटन जाने के बाद, लैमिंगटन रोड जाके आने के बाद ये पूरा काट दूंगा, ठीक है। फिर ये सोच रहा हूँ इसका क्या करने का, मुझे पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं। कचरे को इग्नोर मारा, वो अभी थोड़ा मैस लगेगा ही, क्योंकि अब सब सेट मतलब सब इधर का उधर के डाल के रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस कबट का क्या करना है, यूज़ करते हो या फिर निकाल के फेंक देते हो, बिकॉज बहुत पुराना भी हो चुका हो। तो अभी टाइम है 8:30 निकलने का, तो तुम लोग को पता नहीं होगा मैंने मेरी गाड़ी भेज दी, मतलब गांव जाने के बाद, क्योंकि लेके नहीं गया था ना, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़ जाती तो मैंने भेज दी। तो अभी मैं ओमकार की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ओमकार नहीं लोमड़ी वाला ओमकार, सेम नाम में बहुत प्रॉब्लम होता है यार, ओमकार ओमकार सिद्धेश। एक बात बताओ आरुष,
सब्सक्राइब कर देना आरुष क्रेजी फन। फिलहाल क्रेजी नहीं हो रही है बट फन भी नहीं है, व्लॉग ही है नॉर्मल। चलो।